सो हाउ गाइस वेलकम बैक टू द जेन मावो आईडी गाइस। ये मेरा रोडस्टर, इसकी बैक सीट और बैक रेस्ट मैंने दोनों निकाल दिए हैं क्योंकि ये मुझे ऐसा ही पसंद है। तो जैसे जिसको पसंद होता है, कईयों को ऐसे नहीं पसंद, मेरे को ऐसे ही पसंद है क्योंकि हाल है डेविडसन ऐसे ही काम करता है गाइस। थोड़ा सा गंदा हुआ बड़ा क्योंकि मैंने चलाया नहीं इसको, इसका चेन सेट डलने वाला है, इसके ना हालत बुरी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसको चला नहीं रहा क्योंकि पावरफुल इंजन है गाइस। जितना भी हो सका मैंने चला लिया बट और रिस्क नहीं लेना चाहता, इंजन पे इम्पैक्ट आएगा। तो अभी बस इसको जाना चेन सेट डलवाने, आज छुट्टी किया, तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा गाड़ी पे छोड़ाऊंगा इसको, शाम को ले आऊंगा, बट बंदा हमारा बिजी है भाई साहब, बिजनेस ट्रेडिंग कर रहा है वो, तो अकेला ही जा रहा हूँ, बैठ जाएंगे, मौसम हुआ पड़ा है तो धूप नहीं है गर्मी नहीं है, तो ये आराम से चला जाऊंगा। बाकी गाइस ऑसम मशीन है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो अभी रेडी होता हूँ, इसको लेके निकलता हूँ। तो गाइस को डेली चलाने पे, लॉन्ग से भी लॉन्ग राइड करने पे पूरे 1 ईयर के बाद कलर ठहरा हुई है, कलर इसकी डिलीवरी ली थी मैंने, तो ये चल चुका है 11,500 मान के चलो, 2-3 दिन अभी चलाया नहीं ना, हफ्ता मान के जो चलाया नहीं, तो 11,500 मान के जो डेली ड्राइव करने पे, लॉन्ग राइड्स करने पे, ट्रिप निकालने पे, होशियारपुर, मकलौड़गंज, डलहौजी, लाहौल वैली, कुकसर, स्पीति हाफ करने पे भी ये पूरे एक साल बाद 11,500 चला। और इस पे पूरे 1 ईयर पे इसको चलाने पे जो खर्चा आया है, एक तो ब्रेक पैड्स का आया है जिसका मैंने आपको बता दिया था, अप्रॉक्स 1500 लग गए आगे पीछे के, और सर्विस हुई है, टायरों का खर्चा अभी भी नहीं है, अभी और चल जाएंगे, अभी पड़े हैं 4-5 हज़ार इजीली चल जाएंगे टायर्स। और ये मिरर उड़ चुके हैं, ये उड़ चुके हैं और मीटर उड़ चुका है, ये सभी में प्रॉब्लम आ रही है, वाइट वाइट से आपको धब्बे दिखाई दे रहे होंगे, ये खर्चा है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे लगेंगे आपको, ये आफ्टर मार्केट ही बढ़िया लगेंगे। तो बाकी एक मेजर जो आया है काम वो है चेन सेट का, इतने पे आपको एक चेन सेट डलवाना पड़ेगा जिसकी कंपनी से कॉस्ट आ रही है 8,000-9,000 के करीब। बाकी आज तक इसमें मैंने कुछ भी नहीं करवाया है, सब कुछ ऑसम वर्किंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो इसका मैं जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ गाइस। ये मशीन आपके लिए वर्थफुल है, साल चलाओगे उसके बाद ये रिपेयर तो मांगेगी भाई साहब, पावरफुल इंजन है, पिकअप आप इसकी एक बार चला के देखना, आपको पता चल जाएगा। मैंने ट्रायम 400 भी चलाया भाई साहब, ये 343 cc है, जो इसकी पावर है मैं बताऊंगा तो ये शर्मिंदा हो जाएगी। अरे भाई साहब, कुछ चीज़ें बयान नहीं की जा सकती, ये मान के चलिए फ्यूल एफिशिएंसी ऑसम है, 25-28 दे देती है, आप अगर नॉर्मल चलाओगे 80-90-100 पे क्रूज करोगे, अगर उससे ज़्यादा जाओगे इसको टॉप स्पीड पे 120-130-140 पे, तो ये देगी आपको 20 के नियर अबाउट, नीचे भी हो सकती है ऊपर भी हो सकती है, 1,000 तो ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, जेन्युइन, सिर्फ जेन्युइन चीज़ है। किसी को पसंद हो ये नेकेड वगैरह, तो इसको मैंने टेपिंग से ढक रखा था, वो टेप ख़राब हो चुकी है, मैंने कार्बन फाइबर की टेप लगाई हुई थी, ऑसम लग रही है, पता भी नहीं चलता इसके नीचे क्या है,
तो अगर करवाना हो मैं आपको दिखा दूंगा दोबारा करके, वो टेप दोबारा लानी पड़ेगी, तो वो ला करना इस पे लगा दूंगा। शायद आपने मेरे पीछे वाले व्लॉग देखे होंगे, तो अगर नहीं देखे तो चेक कर लेना, जब नेकेड थी ये, उसमें मैंने कार्बन फाइबर की टेप लगाई हुई थी। खर्चा बचाना चाहिए, बाकी ये खुद ही बचा देती है। हाँ, वो इसकी जान है, जहाँ से वो चलता है वो तो महंगा आएगा ही आएगा। तो गाइस अब रेडी होकर निकलते हैं शोरूम में, इसका कुछ काम करवाना जो मेजर पार्ट है, जिसकी वजह से मैं इसको चला नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे इसकी चेन है जो घूमती है और इसके अंदर होता है छोटा सा पार्ट, ये तो दिखाई दे रहा, उसका पता नहीं क्या कितना वो हो गया, अगर वहाँ से टूट गया ना चेन ऐसे घूमेगी सारा कुछ फाड़ के रख देगी। तो इसको जब लगे कि चेन ज़्यादा आवाज़ कर रही है, ठीक करवाने के पे भी ये इजीली नहीं ठीक हो रहा, तो मान के चलो चेन सेट 10-11 हज़ार पे डलने वाला है, तो इसको चेंज करवा लीजिए। 2.5 लाख की मशीन आप 2.80-2.75 की हो चुकी है, तो रिस्क मत ले, बस के चलते हैं गाइस। इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं अपनी चैनल की टैगलाइन से, जमीन से लगाएंगे उड़ार, आसमान की धूल को बना देंगे मिट्टी, जो तूफान की आग से जला दो इसको, किसने ऐसी राय दी बंदे को, बोल दे है मावा वाईडी, इस मशीन ने मावा वाईडी को आग लगाई गाइस, इसको मैं कभी भी सेल नहीं करूंगा। सो गाइस पहले की तरह आप जो हो चुका है 11,50,000 काम आज भी नहीं हुआ है पहले की तरह। ना उनके पास मीटर था ना चेन सेट थी, वो बोले 20 दिन लग जाएंगे आने के लिए, तो मैंने कहा फ़ोन कर देना अब नहीं आऊँगा वापस, इसकी बोली 2 साल की गारंटी है, जब मर्जी के कम चेंज करवा लेना, मीटर आए थे लग गए, मैंने कहा आप मेरे लिए सेपरेट रख लेना, बाहर से मैं लगवा नहीं रहा, अंदर से ही लगवाऊंगा कंपनी से, चेन सेट रख लेना तब फ़ोन कर देना गाइस, तो मैं आ जाऊंगा। तो गाइस आज भी काम नहीं हुआ, तो मौसम बढ़िया है, चलो ये बात बढ़िया से धूम में नहीं जले। ब्लॉग को एंड करते हैं अपनी चैनल की टैग लाइन से, जमीन से लगाएंगे उठाएं आसमान की दूध को बना देंगे मिट्टी, जो तूफान की आग से जला दो उसको, किसने ऐसी राय दी बंदे को, आप बोल दे मालवा आईडी। गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल मालवा आईडी।